नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ पीयूष और आपका स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हंगरी रूट्स पे। तो चलिए वीडियो चालू होने से पहले देख लेते हैं क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू होने के पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मंगौड़ी की सब्जी राजस्थान से आती है। अब राजस्थान की बात करें हिस्टोरिकली क्विजीन वाइज, तो क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान था और बहुत इजीली फ्रेश प्रोड्यूस अवेलेबल नहीं था, तो जो वहाँ के बावर्ची और कुक्स थे उन्होंने बहुत जीनियस तरीके से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके सब्जियाँ बनाई, जैसे वड़ी, सेव के साथ सब्जी बनाई, गट्टे की सब्जी बनाई। तो उन्हीं में से एक जीनियस रेसिपी ये है मंगौड़ी की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे बनाने वाले हैं। तो मैंने एक पैन में पिघला हुआ घी डाल दिया था, उसमें अदरक, कटी हुई लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, धनिया और कड़ी पत्ता, ये डाल के अच्छे से सौते कर रहा हूँ। तो आप बहुत सारी रेसिपीज़ देखेंगे जिसमें कहते हैं कि मंगौड़ी सीधा तेल में फ्राई कीजिए और पानी में उबाल के इस्तेमाल कर लीजिए। अब मेरा यही मानना है कि हम अगर हर स्टेज में फ्लेवर डेवलप कर पाए तो डिश की एंड बहुत प्यारी बनती है। तो इसलिए मैंने इसमें जिंजर, गार्लिक, कसूरी मेथी सबकी टेम्परिंग दी और अब इसमें ही मंगौड़ी को फ्राई करूँगा। तो जब मैं इसमें पानी भी डालूंगा, मंगौड़ी ये सारे फ्लेवर अंदर ले लेगा और हमारी फाइनल डिश बहुत खूबसूरत बनेगी। तो अब हमें इसे ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी पकाने को, 1 से 2 मिनट आपको इसको फ्राई करना है जब तक इस पर लाइट कलर नहीं आ जाता, और उसके बाद आप पानी डाल के इसको उबालने छोड़ देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 2 मिनट ही लगे मुझे, इस पर हल्का सा सुनहरा रंग आ गया है। तो अब मैं इसमें पानी और नमक डाल दूंगा। अब नमक डालना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं मंगौड़ी के अंदर भी नमक जाए, ना कि सिर्फ हमारी करी में रहे। तो 5 मिनट लगे मुझे और मेरी मंगौड़ी आप देख सकते हैं कितनी नरम हो गई है। ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा समय लगता है, हाँ कुछ कुछ मंगौड़ियाँ बहुत टफ होती हैं तो आप 10 मिनट भी पका सकते हैं उन्हें, बट ये वाली 5 मिनट में तैयार हो गई थी। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है और बहुत फटाफट बनने वाली है। मैंने पैन में जो बचा हुआ घी था वो डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें सरसों या राई यानी कि मस्टर्ड डाल रहा हूँ। अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे जब तक मस्टर्ड फूट नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं मस्टर्ड कैसे यहाँ वहाँ नाच रहा है, यानी कि मस्टर्ड तैयार है। तो थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब मैंने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। अब इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसको आपको लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं करना है, तो लाइट ब्राउन ही पकाना है इसको आप। चलिए ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब गैस एकदम धीरे कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसमें मसाले और दही डालने वाला हूँ। और जब भी आप मसाले और दही डालें गैस हमेशा स्लो रखिए ताकि वो जले नहीं। तो ये मैंने थोड़ा जीरा और कसूरी मेथी डाल दी थी, अब अपने मसाले डाल रहा हूँ। अब ये सूखे मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब दूसरा तरीका इनको डालने का है कि आप इसे दही में ही फेंट दीजिए और डाल दीजिए, वो तो और भी बेटर तरीका है क्योंकि आपकी दही फटेगी भी नहीं। बट मैं थोड़ा सा फ्राई करना चाहता था इसे, इसलिए मैंने इसमें सीधा डाल दिया है। और दूसरी चीज़, जब भी आप दही डाल रहे हैं ध्यान दीजिए कि आप अच्छे तरीके से फेंट के डालें, ना कि सीधा डाल दें। सीधा डालेंगे तो फटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और रूम टेम्परेचर पर डालिए। तो ये मैंने थोड़ा पानी ले लिया है दही वाले बर्तन में, इससे एक अच्छी ग्रेवी फॉर्म हो जाएगी जिसमें मैं अपने मंगौड़े डाल दूँगा। अब समय आ गया इसमें मंगौड़ी डालने का। इसको लो गैस पे ही रखिए जब तक कि ये दही उबलने नहीं लगती। एक बार उबल जाएगी तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, बट इसको जनरली लो गैस पे ही पकाइए। तो अब मैंने अपनी मंगौड़ी डाल दी है, पानी के साथ ही डाल दिए क्योंकि पानी में भी बहुत सारा फ्लेवर है, वो कड़ी पत्ता, धनिया, मिर्च का, तो उसके साथ ही डालिए, बहुत ही बढ़िया बनती है ये। तो अब इसे एक उबाल आने तक रुकना है आपको,
क्योंकि इसमें कोई कांदा टमाटर बहुत ज़्यादा पकाने वाली चीज़ें नहीं है, इसे पकने ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो बस एक हल्का सा उबाल आने दीजिए। ये थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया डाल दिया मैंने इसमें, और जैसे ही उबाल आ जाए बंद कर दीजिए और आपकी ग्रेवी रेडी है। तो देखा ही आपने कितनी आसान तरीके से ये रेसिपी बन गई। तो गाइज़ कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक दबाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा ID है chef_with_a_tattoo। थैंक यू सो मच गाइज़ अब हमारा वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।